हज़रत हमारा दूसरा सेगमेंट है शुब का ज़ाला और शुब का ज़ाला कुछ यूँ हैं कि इन्होंने ये लिखा है कि मेरा नाम पैट्रिक है मैं ईसाई हूँ और गुजर वाला पाकिस्तान से हूँ और ईसाई को इस्लाम से बेहतर समझता हूँ क्योंकि हज़रत ईसा आलाम ने अपनी जान देकर हम सबको बख्शवा दिया जबकि आपके मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वा, अब वो अपने वालदे को भी ना बख्शवा सके और वो कुफर पर ही वफात पा गए तो उन्होंने लिखा है कि ऐ मुसलमानों तुम भी ईसाई हो जाओ बख्शे जाओगे अच्छा <laughs> उन्होंने एडवाइस भी दे दिया बहुत, बहुत। किया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया बड़ा शुभ है जी भाई पहली बात तो यह है कि अगर बकौल आपके क्या ईसा असलात असलाम ने जान दे दी और जान दे के उम्मत को बख्शवा लिया तो अगर ये हुआ है तो जान दे के बख्शवाए तो क्या यानी अपनी जान दे दी और फिर बख्शवाए तो क्या बख्शवाया मजा तो तब था जान भी नहीं देते और अल्लाह से ऐसा होता कि बख्शवाते जी कमाल तो ये था बिल्कुल तो ये तो कोई कमाल ना हुआ और दूसरी बात यह है कि नबी करीम ने जब वो जो उम्मत के लिए किया तो उस पर बाद में आता हूँ पहले एक किस्सा सुनाता हूँ हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहदस देलवी रहमतल्ला उनके पास एक पादरी आया जैर उनके दौर में अंग्रेज़ पादरी आते थे इंग्लैंड से तो एक पादरी आया तो पादरी आके कहने लगा कि जी आपसे एक सवाल है और जी क्या सवाल है कहिए सवाल यह है कि वो आ, हज़रत अलैहि वसल्लम आप कहते अल्लाह के महबूब नबी हैं तो महबूब नबी हैं तो उनका नवासा उनका नवासा जो है करबला के मैदान में जो है, वो मजलुमाना जो है वो कत्ल कर दिया गया शहीद कर दिया गया है। तो अल्लाह के अगर महबूब नबी थे तो महबूब का नवासा तो उनका बड़ा महबूब था तो क्यों नहीं बचाया जी यह सवाल किया अच्छा तो उस पर हजरत शाहब्दजीज़ मुहद्द जैनवी रम्ह ने मुनाजराना अंदाज में जवाब दिया कि असल में महबूब नबी ने अल्लाह तबारक व वताले से दरखास्त पेश की थी कि अः रब जुजरा मेरा नवासा करबला के अंदर जो शहीद किया जा रहा है ज़रा आप देखिए तो अल्लाह तबारक व ने फरमाया कि भाई तू अपने नवासे को रोता है या मेरे बेटे को कतल किया जा रहा है मैं उसको नहीं बचा सका <laughs> 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 मैं, मैं अपने बेटे को नहीं बचा सका तेरा नवासा क्या बचाऊँगा लाजवाब हो गया जी तो तो बात वही है कि ईसा ईशा असलातम अल्लाह के बेटे हैं आपके अकीदे के मुताबिक तो ये कैसा अल्लाह तबारक वाले की रहमत शफकत है कि बेटे के दो बोल बोल बोलने से ही उम्मत ही नहीं बख्शी बल्कि बेटे को कत्ल करवाया है कफारे के तौर पर फिर बाद में जो उनकी उम्मत बख्शी जा रही है तो ये बख्शवाना तो को बख्शवाना नहीं हुआ और फिर दूसरी बात यह है कि असल में मज़हब जो है ना दीन और मज़हब का तस्वुर जो है उसका फ़लसफ़ा क्या है ये देखना चाहिए क्योंकि दिनों मज़हब का तसुर और फलसफा यह है कि दुनिया के अंदर ये दारुल अमल है इसमें इंसान जब आए तो म से बचें मासीत से बचें बगावत से बचें और एक डीसेंट ज़िंदगी गुजारें जो शहवत से पाक हो गज़ब गैज से पाक हो कतल जय वो जय वो, वो गसब से पाक हो यह मकसद है मज़हब का तो ईसा सालातम अगर वह सूरी चढ़ गए बकौल आप हैं तो और उम्मत को कह दिया बस आप जो चाहे क्या मत करते रहो तुम्हारे सबके सारे गुनाह माफ़ तो आज ईसाई उम्मत का हाल क्या हो गया है वो जनाब सारी दुनिया की मासी गुनाहों की दलदल के अंदर मुबतला है ये सोच के मुबतला पर हमारा गुना तो गुना ही नहीं क्योंकि हमारे गुनाह का कफारा हो गया हुँ? तो मज़ब का जो दीन का असर जो मकसद वो पूरा ही नहीं हुआ बल्कि उम्म और ज़्यादा गुमराह के अंदर घुस गई और ज़्यादा मासी गुनाह के अंदर पड़ गई बजाय इसके कि वो ये सोचते कि ईसा सलातम ने जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी थी खुदा के साथ ताल्लुक़ की और अपनी जान दे दी तो हमें उनकी तालीमत उनके तर्ज अमल पर आज हमें शुक्राने के तौर पर डीसट और पाक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए तो बजाय ये करने के नतीजा क्या हुआ आज ईसाइत की दुनिया मासी और गुनाह के अंदर मुबतला हो गई और किसी गुना को गुना नहीं समझती ये सोच के ये गुना नहीं क्योंकि कफारा ईसा इस्लाम ने दे दिया लेकिन हमारे नबी ने कमाल ये किया कि हमारे नबी जो दीन ले के आए उस दीन ने साफ बता दिया क्यों इसलिए कि हमारा दीन अदल पर मबनी है और तुम्हारा दीन ुलम पर मबनी है क्यों कि देखो करे कोई भरे कोई ये तो जुल्म है ना बिल्कुल करें आप भरे ईसा ये तो म है कि गुना मासे सारे आप कर रहे हैं और सूरी जड़ा दिया ईसा इस्लाम को तो करे कोई भरे कोई ये तो जुलम है तो ईसाइत की बुनियाद ही जुलम पर कायम है और हमारे दीन मोहम्मद की बुनियाद अदल पर कायम है वही मोहम्मद वसल्लम ने कह दिया कि देखो ये तो यहूद की बेटी फातिमा ने चोरी की थी इसका हाथ काट रहा है क़ाबा की कसम अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा होती उसका भी हाथ काटता इसको कहते अदर तो अदल जो है ना दुनिया की शान तो अदल में है म में नहीं है तो आपकी ईसाई तो म की बुनियाद पर कायम है हमारी दीन मोहम्मद अदल पर कायम है कि नहीं अगर जो मोहम्मद सल्ला व्ल् का करीबी रिश्तेदार भी वो जो वो डिसेंट जिंदगी नहीं गुजारेगा पाक ज़िंदगी गुजारेगा वो भी पकड़ा जाएगा अल्लाह के सामने पूछोगी ठीक है और अगर आम आदमी जो है वह अगर दीन के मुताबिक चलेगा तो अल्लाह के यहाँ सुरख्रो हो जाएगा तभी नबी करीम वसल्लम ने यह हकीकत बयान कर दी कुल्लु तक़न व नक़ीन फो आली जो नेक मुत्तकी परहेजगार है मेरी उम्मत है वो मेरी आल है मेरी आल जो है ना सैयद आल वो सिर्फ़ एक खूनी नसब के से आप समझे मेरी बख्शी हो जाएगी नहीं नहीं, नहीं।, नहीं। फरमाया कि जो नेक मुतियाँ मेरे दीन और तलीमात पर चल रहे हैं वो मेरी आल हैं और मेरे आल होने की शान उनको हासिल है इन वो कल को अल्लाह के हाथ जो सुरखरू होंगे सरकार अलैहि वसल्लम के वालन की ईमान और कुफर की गुफ्तु जी उसके बारे में महताद महिक़िन का इरशाद ये है कि इस मौजू पर बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे यह है कि नबी करीम अलैहि वसल्लम को ईज़ा पहुँच सकती है उनको तकलीफ़ हो सकती है कि मैं पूरी दुनिया के अंदर ईमान और तोहद के पैगाम देता रहा हूँ और ये मेरे वालदेन की ईमान कफर की गुफ्तु कर रहे हैं तो आपको अगर ईज़ा हो गए तो फिर कहीं का नहीं रहेगा लिहाजा खामोशी सकूत इख्तियार करें असल यही है क्यों इसलिए कि हमें कल रोजे क्यामत में नबी करीम अलैहि वसल्लम के वालदे की ईमान के बारे में पूछा नहीं जाएगा कि उनको आपने मोमिन समझा था कि काफिर समझा था बताओ ये हमारी ईमानियात का हिस्सा नहीं है ये अहमकाना हरकत है कि लोग इस पर गुफगु करते हैं कि यार काफिर मरे थे या मोमिन मरे थे बिल्ला तो ये ये बेअदबी की बात लेकिन फिर भी बोल साहब ने यह बात कही कि वो कुफ़र पर मरे तो उसका जवाब यह कि आपका ये कहना ही गलत है वो कुफर पे नहीं बल्कि नबी पाक अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम आने से पहले जो दीन बरहक था यानी मिलत इब्राहिमी वो मिलत इब्राहिमी पर पा, के पाबंद थे लिहाजा मिलत इब्राहिमी पर जो भी कायम थे वो मोमिन और मुसलमान ही शुमार किए जाते हैं जैसे ख़ुद आपके दादा अब्दुलमतलब हैं वो मिलत इब्राहिमी पर क़ायम थे लिहाजा उसके मुताबिक उनका फ़ैसला तो लिहाजा ये कहना कि कुफर मरे ये भी गलत और तीसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम का शरफ उनके वालदेन को अता करना मतलूब था तो अल्ला तबारक वाले ने उनको दोबारा जिंदा करके आप पर ईमान भी कबूल करवाया हाँ चुनाच जलाल सोती रहमत ने यह रिवायत नक़ल की और मजमूतल फताव में मौलाना अब्दुल लखनवी रहमत ने उसको नक़ल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का भी शर्फ़ उनको देना मतलूब था ताकि दीन मोहम्मद की भी पैरोकार हों क्यों? कि जब वालदेन अपने बेटे को इस मनसब पे देखें तो वालदेन को राहत ख़ुशी मिलेगी ना तो अल्लाह ने यह मसरत देने की मतलूब थी लिहाजा आप तशीफ लग उनके कबरों पर उनको ज़िंदा किया गया और आप सल्ला पर ईमान ले आए ईमान लाने के बाद दोबारा कबरों के अंदर लेट गए ये हुआ तो मालूम ये हुआ कि ये आप पे तो कमाल तो ये है कि नबी पाक सल्लम सुल्ण को जो कमाल हासिल के जो गुजर गए उनको ज़िंदा करा के आप पर ईमान कबूल करवाया गया जिंदा करके तो ये तो कमाल है तो क्या ईसा सलातम से पहले जो कोफर में मारे थे क्या उन, उनकी भी बख्शिश का जरिए ईसा की मौत बनी आप तो बाद की बात करते हैं ना कि ईसाईत देखो उससे पहले जो चले गए उनके लिए क्या हुआ तो गोया कि ईसा सलातलाम का अपना सूली पर चढ़ जाना बाद पहले वालों के लिए तो नाफ़े ना हुआ बाद वालों के लिए नाफ़े आप कर रहे हैं तो इसलिए यह बात कहना और तीसरी बात यह है कि असल में यह बात ही आपकी गलत है कि अगर ईसा सलात इस्लाम सूली पर चढ़ गए और उन्होंने जान दे दी और वो कफ़ारा बन गए लिहाजा सारी ईसाईत जो है क़ियामत के लिए बख्शिश हो गई उसकी ये बात ही गलत है क्योंकि ईसा सलात सलाम तो हैं ज़िंदा और तो कुरान ने खुद कहा कि वमा कातलू वमा सलाबू कि यहूदी ना उनको कतल कर सकें ना सूरी चढ़ा सकें हाँ और बबर रफा रही बल्कि अल्लाह ने उनको जिंदा सलामत आसमानों पर उठा दिया है और दूसरी जगह अल्लाह फरमाते वमा कातल यकीन यक़ीना यहूदी आपको कतल नहीं कर सकें शुभ भी शुभलम लेकिन यहूदी शुबे में पड़ गए कि जिस बंदे को सूली पर चढ़ाया तो अल्लाह ने शबी डाल दीसा असलातुल्स्माम की उसके ऊपर ताकि ये इस शुबे के अंदर पड़े रहें और इस शुबे की वजह से तकलीफ़ में रहें चुनाचे साढ़े पाँच सौ साल तक तकरीबन शुबे पर पड़े रहे अब कुर ने आके उसकी क्लरिफिकेशन की कि वहाँ कतल व यकीन वह कतल नहीं हुआ इसमानों पर है अब यहूदियों की आँखें खुली ओ यार ये क्या हुआ वो तो जिंदा है और क़ुरब्यामत में वापस आएंगे और वापस आके जो है वो दीन इस्लाम जो है जो नबी पाकलम का दीन है उसकी नुसरत करेंगे जैसा कि उन्होंने ख्वाह की थी और वो नुसरत करके पूरे आलम के अंदर दीन इस्लाम का परचम बुलंद करेंगे तो लिहाजा उसका यह तसवुर ही बुनियादी गलत है कि ईसा ने जान दे दी कोई जान नहीं दी आपको इसी तरीके से जो उन्होंने कहा कुरान में मौजूद है कुछ या उनकी तो जो इंजील के अंदर मौजूद है उनका ये पैगाम कि बनी इसराइल को उन्होंने कहा या बनी इसराइल अब इन्नी रसूल मैं तुम्हारे पर रसूल बन के आया हूँ वाह मुबरम बे रसूल या तो मुम्बाद इसमो आहमद और तुम्हें मैं बशारत देता हूँ कि मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम आमद होगा लिहाजा तो तुम उसकी इतवार पैरवी करना उस पर ईमान ले आना तो वो तो खुद ये पैगाम दे के चले गए कि बड़ा सरदार आने वाला है वो बड़ा सरदार आने वाला यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाजा तुम जो उसके ऊपर ईमान ले आना उसके दी मोहम्मदी पर चलना तो ई सलातुसम तो खुद ये आपको हिदायत का रास्ता दे के गए वो 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 पर चढ़ के आपको बख्शवा के नहीं गए यह आपको ग़लत फहमी है इसलिए आप जो है वो ईसाई हैं आप मुसलमान हो जाइए मुसलमानों को ईसाई होने की दावत ना दीजिए आप मुसलमान हो के राय हिदायत को इख्तियार कर लीजिए वरना टाइम ज़्यादा नहीं है ये ना हो कि जब आगे जो है पकड़े जाएँ आप लिहाजा आप मुसलमान हो जाइए ताकि यह मोहतात रास्ता है क्योंकि देखो आप कुछ अच्छा करके चले जाएंगे ना है? और गुनाह से बच के जाएंगे इसमें रिस्क नहीं है रिस्क नहीं है क्यों कि अगर अगर वहां पर बख्शी होनी हुई तो हो ही जाएगी दोनों सूरतों में लेकिन आप अपने गुनाह और मास की जिंदगी गुजार के ईसा इस्लाम सूरी पर चढ़ गए लिहाजा मजे उड़, उड़ाओ तो ये तो रिस्क है हो सकता आगे गए और पता चले कि भाई वो तो हुआ कुछ नहीं और सूलें पे नहीं चढ़े या उनकी वजह से कोई बख्शी नहीं हुई हर बंदा अपने किए का जवाब दे है तो वहाँ पर मारे जाएंगे तो इसलिए इस्लाम जो कह रहा है आप अपनी जिंदगी एहतियात इस्लाम के मुताबिक दिन मुताबिक गुजारें ताकि आगे जाएं तो कोई रिस्क ना हो और वहाँ जब पकड़े गए तो फिर छुड़ाने वाला कोई नहीं बहुत हाजिर बेहतरीन तालीमत हैं ये बहुत सी ऐसी बातें हो गई जो कि हमें पता ही नहीं है बिल्कुल उनके वालदेन के बारे में हमें ये बातें पता ही नहीं मुसलमानों को पता ही नहीं, पता ही नहीं। जो आज आपने बयान कर दी बहुत शुक्रिया बहुत खूब